अब हम अगर इसको यहाँ से निकाल देंगे, ये सीड की प्योरिटी अप टू 100% हो जाएगी। ये पौधे रह जाएंगे तो अगले सालों में इनकी जो ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है वो मजीद कम होगी, और लोग फिर यही कहेंगे जी मोनसेंटो ग्रासेस के अंदर मसला है, फलां के अंदर मसला है, फलां के अंदर मसला है। अस्सलाम वालेकुम जी, ट्रिपल जीन वैरायटी का अगर आप सीड बनाना चाहते हैं सेल करने के लिए या अपने ही इस्तेमाल के लिए, तो मेरे भाई ट्रिपल जीन वैरायटी में जो सबसे पहला काम आपने करना है वो ये करना है कि उसके ग्लाइफोसेट की प्योरिटी को आपने 100% करना है। वो आपने किस तरह करना है मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा, और मोस्टली तकरीबन 95% बंदों को जो कि सीड का काम भी करते हैं उनको ये नहीं पता कि ग्लाइफोसेट की प्योरिटी को 100% किस तरह किया जाता है। और अगर जब उनको पता नहीं होता तो उसके बाद कुछ ऐसी पोस्टें लगती हैं जी मोनसेंटो क्रासिस में मसला है, ये है वो है, तो उस पर वो धड़ाधड़ कमेंट करना शुरू कर देते हैं। मसला ये है कि जब किसी ने भी सीड बनाया और ग्लाइफोसेट की प्योरिटी के ऊपर उसने काम ही नहीं किया तो मेरे भाई मसला तो आएगा ही आएगा, क्यों मसला नहीं आएगा। तो बहुत सारी वैरायटियों में ग्लाइफोसेट की प्योरिटी के ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर जहांजेब फरूक साहब का इंतहाई ज़्यादा मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे ये तरीका बताया। आप सब किसान भाइयों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि बाकी सब भाइयों को भी पता चल सके, वो भाई जिन्होंने सीड सेल करना है, वो भाई जिन्होंने घर के लिए रखना है। तो मेरे भाई अगर आपने ग्लाइफोसेट की प्योरिटी को 100% करना है, सबसे अहम काम वो ये है कि कपास की जर्मिनेशन जब 20 दिन की कपास हो जाए उससे पहले आपने ग्लाइफोसेट का स्प्रे करना है। अगर उससे पहले आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे करेंगे क्या होता है, कुछ पौधे 100% ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस नहीं होते, ठीक है। अब मसला यह कि वो ना ही पौधे ग्रोथ करते हैं ना ही पौधे मरते हैं। अब वो पौधे हमने ढूंढ के निकाल देने हैं ताकि हमारे ग्लाइफोसेट की प्योरिटी 100% हो जाए। अब वो पौधे हमने ढूंढने कैसे हैं, सिर्फ एक ही सूरत है कि अगर आप 20 दिन के पहले 20 दिन के अंदर उस प्लाट के ऊपर जो कि आपका सीड का प्लाट है ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर देंगे तो ये पौधे निकल जाएंगे। दूसरा मसला यहाँ पर क्या होगा कि ये जितने भी कमज़ोर प्लांट है ये बाद में जब फंगस का प्रॉब्लम आएगा सबसे पहले यही पौधे सूखेंगे और फंगस इन्हीं पौधों की वजह से स्प्रेड हो जाएगा पूरे फील्ड के अंदर। तो आपने कमज़ोर जितने भी प्लांट है वो अभी उनको ढूंढना है, और उनको ढूंढने का यही सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप 20 दिन से छोटी कपास के ऊपर ग्लाइफोसेट का स्प्रे 250-300 सीसी के ऊपर करें ताकि ये पौधे वाजे हो जाएंगे। ये पौधे सूखेंगे नहीं, ये सबसे बड़ा इनका मसला है। जब अब एक मिनट में आपको पौधे दिखाने से पहले एक और बात बता दूं, जब आप 40 या 50 दिन की कपास के ऊपर स्प्रे करेंगे तो ये पौधे आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे कि कौन से ऐसे पौधे हैं जो कि ग्लाइफोसेट से स्ट्रेस लिए खड़े हैं। थोड़ा बहुत फील होगा लेकिन तब बड़ी कपास होती है, लोग प्लांट नहीं निकालते तो छोटी कपास में ये वाजे हो जाते हैं। अब आप इस लाइन को एक को गौर से देखें, ये सारे पौधे ठीक हैं, यहाँ पर एक पौधा इसको अब क्या मरज पड़ गई है, ठीक है। अब ये क्या है, ये ग्लाइफोसेट से 100% रेजिस्टेंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब ये मरा नहीं है, घास देख रहे हैं, ये देखें घास, ठीक है, घास बिल्कुल ऐसे, इसको आग लगा दें तो जल जाएगा। अब इस पौधे को क्या है, अब इस पौधे की ग्रोथ देखें आप, ठीक है, अब इस पौधे की ग्रोथ देखें और उसकी देखें। अब मसला यह है कि वो 100% ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस नहीं है, मसला सारा इस पौधे को निकालने का। अब हम अगर इसको यहाँ से निकाल देंगे ये सीड की प्योरिटी अप टू 100% हो जाएगी। ये पौधे रह जाएंगे तो अगले सालों में इनकी जो ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है वो मजीद कम होगी, और लोग फिर यही कहेंगे जी मोनसेंटो क्रासिस के अंदर मसला है, फलां के अंदर मसला है, फलां के अंदर मसला है, किसी चीज़ के अंदर मसला नहीं है भाई, आपको सीड बनाने का नहीं पता। तो यही सबसे बड़ा काम है जो कि आपने करना है। छोटी कपास के ऊपर ग्लाइफोसेट करेंगे तो ये पौधे वाजिया हो जाएंगे, उसके बाद आप इनको निकाल देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तकरीबन बहुत कम पौधे हैं, बहुत कम पौधे हैं, ये नहीं है सारा फील्ड इसे डिस्टर्ब हो जाएगा, फील्ड को कुछ भी नहीं होता, बहुत कम पौधे हैं, इनको निकाल देंगे तो ग्लाइफोसेट की प्योरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। एक पौधा ये खड़ा है, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक पौधा ये खड़ा है, ठीक है जी, तो ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हमें कोई ना कोई मिल जाएगा। आगे चलते हैं जी, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह आपने फील्ड के अंदर घूम फिर के वो वाले पौधे निकाल देने। ये पौधा आ गया जी, ये देखें, ये देखें, ठीक है, इस तरह के पौधे निकालेंगे तो आपकी ग्लाइफोसेट की प्योरिटी 100% हो जाएगी और कोई मसला नहीं आएगा। अगर नहीं निकालेंगे ये पौधे अगले साल इससे 10 गुना ज़्यादा हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट करेंगे। ये देखें, ये खड़ा हुआ है एक, ठीक है, अब ये देखें, ये खड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी अगर बाकी एक और बात जो कि सबसे अहम बात है कपास की वीडियोज़ के लिए भाई, कपास की मैनेजमेंट के लिए,
इससे अच्छा चैनल आपको पाकिस्तान का कोई नहीं मिलेगा, इससे अच्छा पेज आपको कोई नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। पेज को फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।